नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। और ये ग्रीन खबर हमारे पास ग्वालियर से आ रही है, जहां की प्रकृति प्रेमी पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए नागरिक जागरूक हो चुके हैं। और ये जागरूकता आज ग्वालियर में भी देखने को मिली। ग्वालियर में जया रोग परिसर में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए माधव डिस्पेंसरी से मेडिकल कॉलेज तक दाना पानी फॉरवर्ड्स और चिपको ग्वालियर व प्रकृति के प्रति जागरूक नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाई। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भरत चैन से बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए पेड़ न काटने का निवेदन किया। दाना पानी फॉर वर्ड्स के संयोजक राज चड्डा ने डीन डॉक्टर जैन से बात करते हुए कहा कि जिस स्थान पर आप बहुमंजिली इमारत बनवाना चाह रहे हैं, वहां 100 से 150 पेड़ों का घना जंगल है। अधिकांश पेड़ 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिनके चित्र खींचकर हमने कमिश्नर और कलेक्टर को भेजे थे। वैकल्पिक स्थानों के चित्र भी हमने आपको उपलब्ध कराए थे, जहां बिना वृक्ष काटे बहुमंजिली इमारत का बनना संभव है। दोनों अधिकारियों ने भी स्थान परिवर्तन का लिखित में आश्वासन दिया था। इसके बावजूद भी आप पुराने स्थान पर पेड़ों को काटकर बहुमंजिली इमारत बनाने पर तुले हुए हैं, जो हम नहीं होने देंगे। अगर आप पेड़ काटेंगे तो उससे पहले आपको हमें काटना होगा। हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे और चिपको आंदोलन ग्वालियर में चलाएंगे। सोशल एक्टिविस्ट सुधीर सप्रा ने भी कहा कि हम आपको पेड़ों को किसी भी कीमत पर नहीं कटने देंगे, जिस पर डॉक्टर जैन ने अपनी सहमति दी है और आह्वान करते हुए कहा है कि हम बिल्डिंग के डिजाइन में परिवर्तन करेंगे और पेड़ नहीं कटने देंगे। पेड़ नहीं काटने पड़े, ऐसा हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर ITM यूनिवर्सिटी के चांसलर रमाशंकर सिंह, कवि अतुल अजनबी, वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली, IAS निर्माण के संचालक संजय गुप्ता, शराबबंदी आंदोलन के संयोजक शुभम चौधरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सभी ने पेड़ों से पहले हमको काटो, पेड़ काटोगे तो नरक में जाओगे, पेड़ों को बचाना अब यह हमने है ठाना, अभी तो यह अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है, आदि नारे लगाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।